तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अपन ने कुछ बेसिक्स करे थे उसके, है ना। अब कुछ बच्चे ICSE वाले के हैं तो उनके अपन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के भी कर लेते हैं, ठीक है। 15 तक अब बेसिक्स ही करने हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, आज होपफुली कितनी हो गई है 13, बस दो दिन और बेसिक्स करने हैं, उसके बाद आपके जो क्लासेस है वो डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन बताइए ये क्या चीज़ है, अभी क्या थी ये ग्लास स्लैब और ये प्रिज्म लडे, ये हमारे पास कहते हैं कि 7 कलर्स देखने की, यानी कि डिस्पर्शन के काम आती है, डिस्पर्शन करने का, और ये रिफ्रैक्शन देखने के काम आती है। याद करो फर्स्ट डे क्लास लगाई थी आप वहाँ पे, ठीक है। जो जिस बच्चे ने नहीं लगाई वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अभी फर्स्ट डे क्लास में क्या था कि एक ग्लास के अंदर पेन डाला था और पेन टेढ़ा दिख रहा था, कह रहा था ना रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो वैसे ही रिफ्रैक्शन को एग्जैक्ट देखने के लिए अपना ग्लास स्लैब यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिस्पर्शन को देखने के लिए अपना क्या यूज़ करते हैं अभी, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक्स हो गए हैं, ठीक है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, चार्ज, है ना। तो ये महंगा सा वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज होता क्या है बताइए, बोलो 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 जो मन में आ रहा है। हाँ जी, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बहुत महंगा सा वर्ड बोल दिया बट अभी सही नहीं बोले। हाँ जी, कौन से सर ने, आयुष सर, आयुष सर कौन से, ओके। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं लाइव हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ गए। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, जो मन में आ रहा बोलिए, व्हाट इज चार्ज। कोई बात नहीं, हमने बोला एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, क्या बोला आपने, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एडिशनल प्रॉपर्टी। तो भी फ्रेंक की डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो बंदे के ऊपर चार्ज आता है, या इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद एटम के ऊपर चार्ज आता है, एटम की प्रॉपर्टी है, पहली बात। इसको अपना लेमेंस लैंग्वेज में साइंटिफिकली डेफिनेशन ये नहीं है। साइंटिफिकली डेफिनेशन तो बच्चे अभी आएगी कि चार्ज, ग्लास स्लैब, क्या बात है जी, क्या बात है, अवतार मकड़, शाबाश, ग्लास स्लैब है ये, और कहते हैं भी हमारे पास क्या थी, भी प्रिज्म था, ठीक है। तो एटम की एडिशनल प्रॉपर्टी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नहीं है, ठीक है, क्लियर है। वन लेमेंस लैंग्वेज बोल देते हैं वो पैसे की चीज़ है यार, मेरी चीज़ है यार वो, पैसे की नहीं है, पैसे से मिली है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने से मिली है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी एटम की है वो, बट है क्या ये, तो चलो चलो बुकिश लैंग्वेज बोल दी आपने, बट ये तो किसी बुक में भी नहीं था, किसी बुक में नहीं है, ये रहा तो गलत है। हाँ जी, आपका नेम, लक्ष्य, लड़े डरना नहीं, चार्ज क्या होता है। हाँ जी, आप, हाँ जी आप पीछे, व्हाट इज चार्ज, मेरे को तो देख के लगा था यार चार्ज होता है, ये नहीं होता फोन चार्ज, ये होता ना, बिल्कुल यही होता है। कोई और मन में आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ना, बात सुनिए, चलो आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आ जा, तू खड़ेगा यहाँ पे, कैसे आजा। अब बनाते हैं आप एटम, क्या बनाएंगे भाई, एटम, ठीक है। तो इसको पकड़ियो, इसको यहाँ से, आप लाइव आना है बिल्कुल दोनों, ठीक है। तो सेंटर में जो कोई भी एटम है ना, मान लो ये एटम है लड़े, ये रहा। एटम के सेंटर पे क्या होता है अभी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, ये न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस है वो, ठीक है, एटम पे न्यूट्रॉन, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, करते हैं। तो मैं लड़े यहाँ पे न्यूक्लियस हूँ, ठीक है, मेरे पे चार्ज पॉजिटिव है, मैं इन्हें खींच रहा हूँ, इन पे चार्ज नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन चल रही है, ये बाहर को जा रहे हैं, मैं अंदर को जा रहा हूँ, ठीक है, खींची मेरे को, खींची खींची खींची, तो ये चल रहा है काम, इन्हें मैं खींच रहा हूँ और ये मेरे को खींच रहे हैं, और ये हमारे पास एटम का काम चल रहा है, क्लियर है। ऑनलाइन सबको क्लियर है भाई, ये एटम की प्रॉपर्टी है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, न्यूक्लियस इन्हें खींच रहे हैं, आप उन्हें बाहर खींच रहे हो, ये एटम की अंकल की चीजें हैं, ऐसा एटम बना, बैठो बैठो, ठीक है। होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले चलो आपको नहीं पता, आप ले आते हैं, कोई बात नहीं,
ये हमारे न्यूक्लियस अंकल, कौन से अंकल? न्यूक्लियस, ठीक है जी। हमारे पास कोई भी, हमारे पास अच्छा सा सुंदर सा एटम है अभी, ठीक है। अभी प्लीज़ आप लिखेंगे नहीं, कॉपी ज़रूर खोल लेंगे। कोई भी एटम है उनके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बच्चे प्रोटोन पे चार्ज पॉजिटिव होता है जी, इलेक्ट्रॉन पे और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। वो न्यूक्लियस था, ये न्यूट्रॉन है, ये नो चार्ज, ठीक है। और जो ये अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जैसे आपने क्लास नहीं जो पढ़ा होगा, सेल, सेल न्यूक्लियस से कहते हैं कि सेल की फंडामेंटल जो यूनिट है या सेल को संभालता, कौन? न्यूक्लियस संभालता है। जो नाइन्थ में हुए हैं अभी पढ़ोगे आप कि हमारी बॉडी किससे बनी है, अभी सेल से, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेल से बनी है अभी। और सेल का कहते हैं अभी जो दिमाग है, माइंड है, वो कौन है अभी? न्यूक्लियस, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एटम का भी जो सेंटर के अंदर एक चीज बैठी, वो क्या चीज है अभी? न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस किससे बनी है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। किससे बनी है अभी? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और इन्हें, मेरी बात सुनो, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दो चीजें कंबाइन है न्यूक्लियस के अंदर, दो चीजें कंबाइन है, वी कॉल्ड इट एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इनके अंदर या बोल दो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, या बोल दें इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन। मेरी बात सुनिए अभी, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक हमारे पास कहते हैं न्यूट्रल है। पॉजिटिव और न्यूट्रल को कंबाइन करेंगे, प्लस और एक जीरो वाली कंबाइन करके पॉजिटिव बनेगी भी, बनेगी नहीं बनेगी? अगर मेरी बात सुनो, प्लस टू प्लस जीरो, प्लस टू ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? माइनस टू नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। जीरो को ऐड करने से कुछ नहीं होता। वैसे ही हमारे पास अगर प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव है, हमारे पास न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं है, तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा हो गया अभी? पॉजिटिव, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो बात सुनिए, एक लंबी कहानी अच्छी, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बात करें, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है लाडे, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव। सर प्रोटोन पड़े हैं न्यूक्लियस के अंदर, कमरे के अंदर बंद है, लॉक लगा हुआ है, तो कभी भी एटम प्रोटोन नहीं छोड़ेगा, ना ही प्रोटोन छोड़ेगा, ना ही प्रोटोन लेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहली बात, आपका जो चार्ज है उसका सीधा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन से है, अभी प्रोटोन अंगल से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। सर अगर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, तो बच्चे पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, एक एटम मैंने बताया था फर्स्ट डे, एक एटम का एटॉमिक नंबर 5 है, उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, बताया था अभी, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मान लो 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कंबाइन करके न्यूट्रल, तो एटम न्यूट्रल है, बट अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा, तो 5 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 पॉजिटिव बन गया। तो कारण वो है कि एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, कुछ भी आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैटायन बन रहा है, वो उसका काम इलेक्ट्रॉन से है। सर इस ताम झाम को क्यों लेके आए? आपके मन से जो चार्ज है उसका प्रोटॉन से लेना देना नहीं है। प्रोटॉन अंकल जितने थे उतने ही है अभी, प्रोटॉन अंकल हमारे जो एटम के अंदर जितने पड़े थे उतने ही हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल सकते। आप हमारे HC वर्मा जी और नील बोहर, बात करें रदरफोर्ड जी, सारी उम्र निकाल दी उन्होंने, पर जब भी प्रोटॉन निकालने की चाह, एटम फट गया। अभी प्रोटॉन अंकल को बाहर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कुछ थॉमसन अंकल बोल गए थे, प्लम पुडिंग मॉडल या वैसा कुछ, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ना, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे टाइटली पैक्ड हैं, मिलके बैठे अभी, जब भी तोड़ेंगे बाजे टूट जाएंगे कड़क, और न्यूक्लियस ब्रेक। तो पहली बात, जो भी बंदे पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, जो भी चीज़ें हैं, वो प्रोटॉन पे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन का एक चीज़ प्रोटॉन को उड़ाइए, उड़ाया, अभी भी मेरे को पता नहीं चला अभी चार्ज क्या है। चलो आपने जो बोला मैं उन्हें उसको ठीक करा। पहले ये चलो चीज़ थी कि एटम के पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अभी सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं मेरे को, मैं उनको खींच रहा हूँ, इसीलिए एटम स्टेबल है, जुड़ा हुआ है, ना ही वो बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, वही ये चीज़ हुई है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है अभी बताइए मेरे को?
निकालिए, आपकी शीट सही नहीं है अभी तक, एक सेकंड वेट करिए। जस्ट एक सेकंड, हाँ जी, तो चार्ज क्या था भाई, व्हाट इज चार्ज, मोबाइल चार्ज, रिचार्ज, ये वाला चार्ज, यस गलत। एक्चुअली एक ना कहानी याद है मेरे को, मतलब क्या था कि हम नाम भूल गया मैम, किनका बात करें, हाँ जी हमारे दो अच्छे अच्छे भाई, नेम आपका कुणाल और आपका अरमान, कुणाल और अरमान क्या कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, जैसे ही मतलब कहते हैं मैथ्स के सेशन के पहले ये जैसे कहते हैं भी सबके स्टार्टिंग पे आए थे, तो कुछ टाइम पड़ा था, तो क्या कर रहे थे कि एक ना पेपर होते हैं ना, पेजेस को फाड़ा, स्केल लिया, ऐसे 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 रब करा और रखा और वो चिपक गया ऊपर आ गया, होता है ऐसा, दोबारा आप पेपर को फाड़ते हैं, आप स्केल को बालों में रब करते हैं, जब रखते हैं वो चिपक जाते हैं, अभी कुछ ऐसे होता है ऐसा, पेंसिल के छिलके भी होते हैं वो भी ले आते हैं। हुआ क्या कि ये हमारे पास जो चार्जेस हैं या क्या चीज़ हुई है मेरे को समझ नहीं आया, अभी हुआ क्या है, ये वाई चिपका क्यों यार, ओपोजिट फिर चार्ज क्या है यार, ओपोजिट चार्ज तब लेके आऊँ मैं, अट्रैक्ट रिपेल तो बड़ी महंगी बात हो गई, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। उसके बाद मैं क्या करा भाई, मैंने क्या कहता हूँ भाई, मतलब हमारे पास ना कॉम बताएगा, कॉम को वालू रब करा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर रखा, फिर चिपक गए पार्टिकल्स, देखना चाहोगे भी, फिर ऐसे पास रखा, 3, 2, 1 और चिपक गए भी, चिपके नहीं चिपके, हाँ ना बोलो, बिल्कुल चिपके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हाँ जी, ना 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 ना, हाँ जी लड़े, अभी डेफिनेटली विल डू, बट अभी बालों में तेल ना हो, किसी के बालों में तेल ना लगाओ, है स्मॉल स्मॉल है, बिल्कुल लिटल बिट, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल है, ओ लड़े ये चीज़ ना, अब मैंने मुंह पे कभी तेल नहीं लगाया, इन बालों को वॉश करना पड़ेगा, या तो ऐसा करते हैं कल अब करेंगे डेफिनेटली, बट ये है कि मेरे को शैम्पू साथ में रखना पड़ेगा। आपको पता है, आपको अपने को स्वेट आता ना, स्वेट के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो पसीना आया तो बाल के अंदर ऑयल है, डेफिनेटली है, आपा छोटे सोचते थे इसके अंदर ऑयल होना चाहिए, ऑयल की ये डेफिनेटली ये भी करेंगे, मेरे को था ये सभी ने करे होते हैं यार, ये नहीं करे होते, तो मैं कहीं भी ये ज़रूरी नहीं, कोई बात ये भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, शक्लें बन गई हमारी ऐसी, क्या हो गया अभी, क्यों हुआ बनी। और बात करते हैं कि हमारे ऋषभ भैया की, ठीक है, केशव केशव केशव, ठीक है, केशव की बात करते हैं, केशव और कहते हैं कि केशव कहते हैं भी अपने और अपने दोस्त के साथ ना क्या कर रहा था भाई, कहते हैं भी एक बैलून को फुला के ना, बैलून को फुलाया, बॉडी से करा रब, उसके बालों के पास रखा, बाल ऊपर खड़े हो गए भाई, फोटो भी मेरे पास दिखाऊं, ठीक है, क्यों कैसे क्या, बट हो गई वही है ना, बिल्कुल केशव है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तो क्या हुआ कैसे हुआ, चार्ज, व्हाट इज चार्ज, नो व्हाट इज चार्ज लड़े, व्हाट इज चार्ज, हाँ जी वही नहीं पता, तो आ जाओ। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट हो गए रोज वाले जो आप करते थे, कारण था चार्ज पर, चार्ज है क्या अभी नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं साइंटिफिकली, अभी तक चार्ज के बारे में पता नहीं चला कि चार्ज क्या है, किस चिड़िया का नेम है चार्ज, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बट अभी साइंटिफिकली देखते हैं अभी चार्ज किस चिड़िया का नेम है, कैसे है। आप क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ना अभी जो ये दो रॉड्स थी ऊपर, ठीक है, इन रॉड्स अच्छी लग रही मेरे को, तो दो रॉड्स उतारते हैं आप, ठीक है, उन्हें सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है, इसे मैंने क्या करा, सिल्क क्लॉथ, कौन सा क्लॉथ भाई, सिल्क क्लॉथ, ये ग्लास रॉड है पहली बार, ठीक है, वो नहीं है तो आप ग्लास रॉड को लीजिए, ठीक है, एग्जांपल्स, इसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, अगेन दोबारा एक और ग्लास रॉड ली, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ आपा रब करा जी, ठीक है, सुनो सही, सुनो सही, सुनो सही,
देखो भैया थोड़ी सी, हुआ क्या अभी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, चार्ज तो पता ही नहीं अभी चार्ज है क्या, अभी तो चार्ज का पता ही नहीं है। वही बोल रहा था कि मैंने तो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, वैसे ही आपने आपने बोला कि स्केल वाले, ठीक है हमारे पास कॉम वाले एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है बलून वाले, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करा, रख दी, एक और ग्लास रॉड को रब करा, रख दी, जब दोनों को पास लेके आए सर धक्के मारने लगे, रियलिटी में रिपेल, रिपेल कैसे होता है मेरी बात सुनिए, कि हमारे पास यार चार्ज है क्या, चार्ज वर्ड ही नहीं यूज कर रहा मैं, चार्ज है क्या, वट इज चार्ज, सेम चार्ज, सेम क्या हो, वो चार्ज का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कहते हैं भी बुक्स की काली लाइन्स अपन अच्छी याद करी हैं, बट कॉम्पिटेटिव ब्लैक लाइन्स याद करने से नहीं क्रैक होगा, अभी स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे नोट बनाएंगे, डेफिनेटली ब्लैक लाइन्स याद करोगे स्कूल में यू विल गेट 100 out of 100, बट इन कॉम्पिटेटिव स्टिल 0, डेफिनेटली। मैं मोटिवेशन या हौसले को गिर नहीं रहा, बट रियलिटी में उसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स कहेंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करा, दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क के साथ रब करा, तो सर ये रिपेल करने लगी, रिपेल इन द सेंस कि कहानी क्या हुई कि मैंने दो ना मैग्नेट्स होती है ना, उनको पास रखें चिपक गई भी, जब उल्टी करते हैं तो धक्के मार रही होती हैं, आप धक्के से लेके आते हैं बिल्कुल पास पास होती हैं, मैग्नेट के ऐसी हैं, दो मैग्नेट्स ऐसी हैं, ऐसे करते चिपक गई, ठीक है, उसके बाद जब उल्टी करा तो धक्के मारे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, पर पता नहीं चिपकती नहीं कभी यार, मैं जोर बड़े लगाए, होता है ऐसे ही, ऐसे करते हैं ऐसे हो जाती है, ऐसे करते हैं ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, बट वो चिपकती नहीं कभी, होता नहीं होता, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो ये होता, तो वैसे ही ग्लास रॉड को जब पास में कभी ऐसे कभी ऐसे साथ में नहीं पड़ी, हमारा अंत भी क्या हो गया परेशान, ठीक है। उसके बाद आप क्या करा कि दो ली एबोनाइट रॉड्स, कौन सी रॉड्स, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट जस्ट मटीरियल है एक, ठीक है, एबोनाइट रोड, और हमारे पास कहते हैं कि अब बात करें फिर, अब उस दिन वाली बात बता देना केशव, फिर बता दें, बता दें केशव के पास एक बहुत बढ़िया सा शेर सा एक डॉग है, ठीक है, उसके बहुत फर लगी है ना, बिल्कुल है, ये ट्रुथ है बात, बिल्कुल देखिए केशव के पास ना एक डॉग है अभी, बिल्कुल हाँ जी, अच्छा बिच है, चलो कोई बात नहीं, फर तो उसके है ना। तो केशव ने क्या करा, एबोनाइट रोड ली है और उसे अच्छे से साफ कर दी, 1 2 3 4 5 कर दी साफ, मैंने कहा एक कर दी तो यार दूसरे भी कर दे भी, ठीक है। तो बात हुई थी कि अपा ना एबोनाइट रोड एक ली है, ठीक है, उसको बिच से साफ करें या वूलन क्लॉथ से, कुछ मर्जी कर दे, वूलन क्लॉथ ले लो या डॉग ले लो यार बिच ले लो, कोई वरी नहीं है, बस उसके ऊपर फर हो यार। एक और एबोनाइट रोड ली है, उसको अगेन वूलन क्लॉथ या बात कर रहे हैं बिच से, आपा क्या करा, रब करा, अगेन दोनों क्या कर रख गई, रेपेल। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ग्लास रॉड ली, रब किसके साथ करा भाई, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ क्या कर गई, एबोनाइट रोड किससे करा, वूलन क्लॉथ से या कैट फर से या डॉग फर से, क्या बन क्या करने लग गई, रिपेल। तो आपा ने लगा ली भी हमेशा रॉड क्या करती है, रिपेल करती, मेरे को तो लगा ये वाली बात, एबोनाइट लडे नॉर्मल ये स्टफ वाली, ग्लास रॉड तो कांच वाली होगी ना, नॉर्मल ये वाली स्टफ वाली, ठीक है। ये टू बी फ्रैंक अबोहर हमारे पास एक सुभाष अंकल की शॉप्स हैं, उनके पास केमिस्ट्री के सब सामान थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, बिल्कुल ये सारे के सारे वहाँ से लेके आए, वहीं मंगवाई हुई, आप भी अपनी लैब तैयार करेंगे अभी कुछ दिनों में, सारा सामान आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वुलन क्लॉथ से रब करा तो अगेन रिपेल करने लगी, मेरे को लगा भी हमारे पास रॉड रूड सारी क्या करती है अभी, रिपेल ही कर, ठीक है। बट हमारे पास क्या हुआ कि एक हमारे पास ग्लास रॉड, ठीक है, और एक हमारे पास वुलन क्लॉथ, ठीक है, एक ग्लास रॉड और एक हमारे पास एबोनाइट रॉड, दोनों को पास लेके आए तो वो कर गई अट्रैक्ट, वी आर स्टिल कि क्या हो गया अभी, अगेन दो ग्लास रॉड्स सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, क्या हो गया अभी, ठीक है, दो एबोनाइट रॉड वुलन क्लॉथ के साथ रब करा तो क्या हो गया अभी, रिपेल। बट एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क क्लॉथ के साथ रब करी हुई थी, एक एबोनाइट रॉड जो कि वुलन क्लॉथ के साथ रब करी हुई थी, पास लेके आए तो क्या हो गया, परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है, कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्शन। तो पक्की बात है कि जब भी कोई दो चीजों को रब करते हैं, कोई ना कोई एक चीज इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन अंकल ट्रांसफर हो रही है। हाँ जी सुनो सही आ रहा है, यार है,
तो ट्रांसफर किया हुई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, अभी कभी अट्रैक्शन हुई, कभी हमारे पास क्या कहते हैं रिपल्शन हुई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी मैटर्स में जो रबिंग के कारण, रबिंग के बाद अट्रैक्शन या रिपल्शन करवाती है, दैट्स नॉन एज चार्ज। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी दैट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, आफ्टर रबिंग अमंग मैटर्स। क्लियर हुई कि हमारे पास अट्रैक्शन या रिपल्शन लाने वाली मैटर्स के अंदर प्रॉपर्टी वो कौन सी है जी, चार्ज है। क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताइए कि ये चीज आपको क्लियर हुई चार्ज के, ठीक है। चार्ज आया किस कारण था, इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी का। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया होगा, उधर से इधर आया होगा, ठीक है। प्रोटॉन की कभी बात नहीं होगी, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको, ये हमारी इंट्रो थी इसकी, आ जाओ। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लास रॉड रब विद सिल्क, क्या हुआ था अभी, हाँ जी, दोनों रिपेल करने लग गई, ठीक है। मैं दोबारा जब देखा, ठीक है, तो जब ध्यान से देखा ना, तो मेरी जो अच्छी अच्छी ग्लास रॉड थी उसको जब मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, सर इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, जब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट से चेक करा भी, ठीक है, इस पे चार्ज कौन सा आ गया, अभी पॉजिटिव, बिल्कुल सिल्क पे, सिल्क पे नेगेटिव, बिल्कुल नहीं नहीं कुछ नेगेटिव नहीं था, पहले न्यूट्रल था, ठीक है। दोबारा एक और नई ग्लास रॉड ली है, उस पे चार्ज कौन सा आ गया, दोबारा फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास सिल्क पे कौन सा आ गया भाई, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने पे ग्लास रॉड पे चार्ज कौन सा आया था, पॉजिटिव, सिल्क पे। तो अपना अभी पढ़ा था कि ग्लास रॉड को पास लाने पे क्या हुए लगे थे भी, रिपेल, ग्लास रॉड रिपेल। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो एक बात कंक्लूड कर गई कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता भी, फर्स्ट पॉइंट ये आपका जो अपा ने याद कर रखा है, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बिल्कुल हुए थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बनाइए भी, हमारे पास ग्लास रॉड्स क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, क्लियर है। तो आप जस्ट आप लिख सकते हैं यहीं पे है आगे भी कि सिंपली चीज, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए और लिख दीजिए इसके आगे, बोथ रॉड्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। और साथ में बात करेंगे कि ग्लास रॉड पे चार्ज कौन सा था, ग्लास रॉड पे चार्ज था पॉजिटिव, ठीक है। और बात कर रहे हैं अपा सिल्क पे, तो एक बात तो कंक्लूड होगी कि ग्लास रॉड को जब पास लेके आए, दूर जाने लग गई, तो पक्की बात है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। लिखिए सात पॉइंट, ग्लास रॉड आ गया, ठीक है, ये एक बुक में नहीं मिलना भाई, ये एक बुक में नहीं मिलना, गारंटी है नहीं मिलना, ठीक है। सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, उसके बाद सो आफ्टर रिपल्शन अमंग ग्लास रॉड्स वी कंक्लूड दैट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। बात क्लियर हुई, पक्की बात है, करिए नोटिस, ठीक है। ये आपको प्लस वन की बुक में मिलनी, बट प्लस टू की मॉडर्न मिलेगा भी, बट ये चीज किए बिना पता नहीं चार्ज कैसे हो जाता है, इसके बिना होता नहीं कभी, आप कर रहे हैं स्कूल्स में, तो भी फ्रैंक रट्टे मार रहे हैं भी, पॉजिटिव पॉजिटिव कर गया, क्यों कर गया भी, बाय इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी कारण हुआ, पता क्या, मेरी बात सुन, सिल्क पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, ठीक है। तो अपा ने पहले पढ़ा था कि एनायन और कैटायन जो कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो कौन सा होता है भी, तो हमारे पास ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के सिल्क को दे दिया, ये किसी कारण हमारे पास चार्ज आए, इसी कारण जो बहते बहते रिपल्शन हुई भी, ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे दिए, सिल्क पे चार्ज नेगेटिव, ग्लास रोड पे पॉजिटिव, इसी कारण रिपल्शन हुई। तो एक बात कंक्लूड होगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लेके आएंगे तो क्या करेंगे भी, ये रिपेल करेंगे। क्लियर हुई, तो कल यहीं से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी पार्ट से। होपफुली आपको इंट्रो क्लियर हुई इसकी, मैं दोबारा कल आपसे पूछूंगा अभी क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है।
तो सत श्री अकाल, गुड बाय। ऑनलाइन बेसिक्स क्लियर हुए कुछ कुछ? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अपने टोटल कॉन्सेप्ट लेके आना है, ठीक है? चलो ठीक, चार्ज भी स्टार्ट नहीं हुआ, ना ना ना, चार्ज अभी पता ही नहीं क्या होता।